दैट माउंट लोगन. नेक्स्ट वन इज व्हाट? माउंट लोगन एंड इट इज इन कनाडा. लोगन तो मंकी लोग क्या है? मंकी, समझ में आ गया. मैकेनली इज द हाईएस्ट पिक, सेकेंड हाईएस्ट पिक एंड लोगन इट इज इन कैनेडा. माउंट मैकेनली इज इट ओके? माउंट लोगन. एंड इफ यू कम इन टू द यूएसए there is some mountain peaks are there. Shasta Rainier. Shasta Rainier थोड़ा इधर है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Shasta Rainier. आज के डेट में हम लोग रेन को सस्ता समझते हैं, महंगा समझते हैं. महंगा समझते हैं. अच्छा, आपके यहां से स्नोफॉल हो गए इसलिए आप समझोगे कि सो आई सेड दैट रेन इज सस्ता. सस्ता हो चुका है यस, लेकिन आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है. सस्ता रेनियर. देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इज टॉकिंग अबाउट माइक्रो वॉटर शेड मैनेजमेंट, मैक्रो वॉटर शेड मैनेजमेंट. यस. And there is a very much requirement for what is it? Improvement in water resources that India wants to have. Britney Spears. Britney Spears जानते हो? यदि आप Britney Spears को कहाँ देखे? टीवी में देखे होगे. और आपके सामने आ गई तो क्या होगा? आंखों में जब तेजी से लाइट पड़ते हैं तो आंख ब्लैंक हो जाते हैं. It becomes what? तो जब आप किसको? विटनी एंड माउंट ब्लैंका. सो दीज आर द फेमस फोर पिक्स इन द कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट इज इन रॉकीज इन कहां पे? यूएसए. सास्ता रेनियर विटनी ब्लैंका. सास्ता रेनियर विटनी कैन यू सी? सो विच आर द इंपॉर्टेंट पिक्स? Mount McKinley is the highest peak. It is of USA, North America, Alaska. And Mount Logan in Canada. Thereafter I said that Shasta Rainier. और ये जो है 6000 मीटर है McKinley 6192. फिगर से, नंबर से कोई मतलब नहीं है. अराउंड यू हैव टू सी 6000. और लोगन इज अराउंड ऑल्सो 58 समथिंग. हियर इट इज ऐसे 6000 के नियर बाय. एंड देर आफ्टर सारे ये क्या है 44000 टू 4500 के आसपास है. दीज आर लेकिन ये किस कारण से इतनी हाइट कम है? हाईएस्ट हाइट 6 है, हमारे यहां हाईएस्ट हाइट 8848 है. यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? यहां पे भी कन्वर्जेंस है. दिस इज व्हाट ओशियन कॉन्टिनेंटल द लेस कंप्रेशन. बट कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल में देयर इज अ व्हाट? हेड ऑन कोलिजन. यस और नॉट? सो देयरफॉर देयर विल बी मोर फोर्स टू व्हाट इज इन राइजिंग अप ऑफ ऑल द मटेरियल. So, we have seen that mountains and then important peaks and plateaus of what? North America, which are first? First Rockies Mountain 100 million years ago. Then Sierra Nevada, Cascade Range. Yes, tell me. Plateaus. Columbia, then Colorado. Yes. On the other side, which are the mountain ranges? Yes, which are the important plateaus? Which is the important plateau of Canada? Canada. Laurentian.
ओजार्क कुंबरलैंड, एंड मैक्सिको जस्ट इसके नीचे है, मैक्सिकन प्लेट्यू। क्लियर? सो वी हैव सीन अबाउट विच वन, और जहां पे आपने सास्ता रेनी है यहीं पे माउंट सेंट हेलेना है, सेंट हेलेना, जहां पे सास्ता रेनी देख रहे हैं वहीं पे सेंट हेलेना है, एंड इट इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, सेंट हेलेना पिक, एसटी हेलेना, सेंट हेलेना मोस्ट एक्सप्लोसिव, आई सेड दैट मोस्ट, सेंट हेलेना पिक है वहां पर, एंड इट इज इन अ मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनिक माउंटेन्स ऑफ द, सॉरी माउंट वोल्केनिक माउंटेन पिक ऑफ द वर्ल्ड। Understood? And it is known as Plinian type of volcanic eruption, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्सप्लोजिव होता है उसको बोला जाता है Plinian, मतलब जब इसमें सेवेंट लावर्स टेफरस पायरोक्लास्ट मटेरियल सारे निकलते हैं, गोज अप टू व्हाट 12-16 किलोमीटर हाइट, अंडरस्टूड, मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड सलाई माउंट सेंट हेलेना। नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू सी साउथ अमेरिका, all the peaks and plateaus of North America, Rockies से start करो, वाला कोस्ट, कोस्ट वाला प्लेस बुक करना है, अलास्का रेंज, ब्रुक्स रेंज, यूकॉन, कोलंबिया, कुंबरलैंड, लॉरेंस एंड माउंटेन रेंज ऑन द ईस्ट साइड, and Blanca. Is it okay? I said that next that we have to see what? South America.
इसमें से ओल्डेस्ट कौन सा साइड है, ईस्ट और वेस्ट? ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, और इट हैज बीन फाउंड व्हेन द होल कॉन्टिनेंट वॉज कन्वर्टिंग इन टू पेंजिया. जब पेंजिया बन रहे थे तब उस समय, क्योंकि आज से 200 मिलियन ईयर्स अगो व्हाट इज ना पेंजिया वॉज एग्जिस्टिंग 200-250, तो पेंजिया बनने के लिए सारे कॉन्टिनेंट्स आर कमिंग टूगेदर. पेंजिया मीन सुपर कॉन्टिनेंट. एट दैट टाइम कोलिजन हैज बीन टेकन प्लेस एंड देन ईस्टर्न साइड वी हैव व्हाट अपलेशन माउंटेन रेंज हैज बीन. साउथ अमेरिका, एंड इन साउथ अमेरिका व्हाट वी आर वॉचिंग दैट देर इज अ सिमिलरली साउथ अमेरिकन प्लेट इज मूविंग वेस्टवर्ड, और यहां पे बहुत नाजुक कोई नाजुक बंदा है, और वो किससे टकराने जा रहा है, जैसे नाजका ओशियानिक प्लेट. एंड देन सेम वे आई सेड दैट 60-70 मिलियन ईयर्स अगो विच प्लेट इज सबडक्टिंग, नाजका प्लेट. इट इज इन अ डेंसर प्लेट, सो ड्यूरिंग द कन्वर्जेंस एंड इट इज मूविंग ईस्टवर्ड. And then South American plate was moving westward. And यहां पे क्या हुआ, accretionary waste sediment and thereafter large amount of river deposited sediment. Understood? And under the compressional force, this deposited sediment, that is a geosink line, has been what? Folded into Andes mountain range. Folded into and this ye kidhar se kidhar extended, east to west or north to south? Yes, east to north to south. Rockies bhi aisa hi hai, north to south. Understood? Aapne dekha tha, thereafter I said that in the North American plate when it was subducting down, फिर इसके बाद यहां पर क्या हो गया था, जियो सिंक लाइन. और यदि ये जियो सिंक लाइन नहीं है, यहां पर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट नहीं है, तो इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन. इफ यू गो इंटीरियर ऑफ द ओशियन, आपको कोस्ट के पास से क्या मिलेगा, एंड दैट इज नॉन एज ओशियानिक ट्रेंच. एंड देन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेंच यहां पर बनता है पैरेलल टू दिस. अभी इसमें डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट नहीं हुआ है, एंड देर इज इन अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रेंच and it is known as Peru Chile Trench, 6100 kilometer long.